जी, जैसा कि थाना जो है शाह लतीफ टाउन, उसके इलाके से एक ख़तरनाक किलर जो है 12 अफराद की किलिंग में वो मतलूब था और दीगर वारदातों में भी वो मतलूब था, उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। और अभी हमारे साथ है एसपी गडाप डिवीजन जो कि मलक अल्ताफ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और कुछ रोज़ से जो है, कुछ माह से जो है, जो कराची में टारगेट किलिंग के वाक़यात हो रहे थे उनमें काफ़ी कमी आई है और कराची में अमन अमान की बहाली के लिए भी पुलिस ने बेहतर किरदार अदा किया है। अस्सलामु अलैकुम मलक साहब। वालेकुम सलाम जी। मलक साहब, आज जो है आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, एक टारगेट किलर जो मकबूल और मकबूला जो है वो मीडिया के सामने पेश किया है, तो क्या ये कैसे इसको गिरफ्तार किया गया है और क्या मजीद इसके पास से क्या इंकशाफात की तवक्को है? हमें बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली थी कि मकबूल ऑफ मकबूला जो गुज़िश्ता दिनों 22 जुलाई के वाक़यात में जब एक सियासी जमात की तरफ से दूसरी सियासी जमात के घर पर हमला किया गया उसमें मुलव्वस है और हमारे यहाँ ये 3 FIR में नॉमिनेटेड था। बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलने के बाद SHO शाह लतीफ टाउन अमानुल्लाह मरवत और उनकी टीम ने नरगिस सैनमा कैदाबाद के करीब जो है इसको अरेस्ट किया और अब तक जो इंकशाफात जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में आए हैं वो काफ़ी सनसनीखेज है। लेकिन यह है कि मैं उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि कानूनी कार्रवाई मुकम्मल जब तक ना हो जाए तो फर्दर डिटेल्स उस तक मैं नहीं बताऊंगा। एक लेआउट में आपको बता दूं कि ये जिन मर्डर्स में वांटेड है 3 FIRs में, उन वाक़ात में 10 अफराद जो हैं वो कत्ल हुए और 17 अफराद जो थे वो ज़ख्मी हुए। इससे पहले भी ये जेल जा चुका है और जेल जो गया है तो मुख्तलिफ कत्ल की वारदातों में गया है और उसमें इससे पहले इसके ऊपर 4 केसेस कत्ल के मौजूद हैं। पुराने केसेस में ये बेल पर है और इस 3 जो FIR में ये वांटेड है। अच्छा। हम अपनी पूरी जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पे हम महसूस करते हैं कि यहाँ इस किस्म के पॉकेट्स हैं और वहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं तो हम उसको बाकायदा उसको सर्च भी करते हैं जाके और दूसरे इदारों की मदद के साथ हम उन एरियाज को कॉर्डन करके सर्च कर रहे हैं और जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। ये रात हम पेट्रोलिंग में थे कि मुखबर खास ने मुझे बताया कि कराची के मुख्तलिफ थानों से टारगेट किलिंग में मतलूम मुलजिम है जो FIRों में नामजद है और उसकी ये इतला में बेहतर समझते हुए मैंने जो है वो कैदाबाद नरगिस शर्मा पे पिकट लगाई और ये मोटरसाइकिल पे आ रहा था जिसको मैंने गिरफ्तार किया है और ये 12 कत्लों में नामजद है और 17 जो है इसमें में जख्मी है। ये एक सियासी पार्टी का कारकुन है जो मलीर में एंट्री डाल के 22 जुलाई को मुखालिफ सियासी पार्टी के कारकुनों को इसने हलाक किया है और इसको हमने गिरफ्तार किया है। जी, SHO शाह लतीफ जो है के अमानुल्लाह मरवत, उनका ये कहना है कि मजीद भी इससे इंकशाफात की तवक्को है, इंटरोगेशन जारी है और मजीद इससे कुछ मजीद भी सामने आ सकता है। अमानुल्लाह मरवत ने एक बेहद अच्छी कार्रवाई की है, जैसा कि एक टारगेट किलर को गिरफ्तार किया और ये टारगेट किलर जो है 12 कत्ल की वारदातों में और 17 जो है जख्मी करने की वारदातों में और मुतअद्दिद वारदातों में भी ये मतलूब था।